हे गाइस, क्या आप इंग्लिश बोल लेते हो? क्या आपको इंग्लिश अच्छे समझ आती है? हाँ, मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ। नहीं, मुझे इंग्लिश के कुछ बड़े वर्ड समझ नहीं आते। जी हाँ दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इन सभी अपने सेंटेंसेस के अंदर किसी एबिलिटी की बात करी है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम इसी चीज पे ही निर्धारित करते हुए आगे बढ़ाना चाहते हैं कि किस तरह के सेंटेंसेस अगर हमारे पास आते हैं जिसमें हम किसी की एबिलिटी की बात करते हैं तो हम उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। यस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द यूज ऑफ एबल टू, बट अलॉन्ग विद दिस आई विल ऑल्सो लेट यू नो अ ट्रिक ऑफ एबल टू। बट बिफोर दिस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल गुडलक इंस्टीट्यूट, अ स्टेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियो के न्यू अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए करते हैं यूज ऑफ एबल टू। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये एबल टू का हमारा यूज है वो हिंदी में उन सभी वाक्यों के लिए किया जाएगा जहां पर भी पूछा जाता है आपसे कि क्या आप किसी चीज के लायक हो, किसी काम के करने योग्य हो। अब योग्य वर्ड जो हम बार बार यूज नहीं करते क्योंकि हमारी हिंदी हम इतनी प्रॉपर यूज नहीं करते, तो हम बात करते हैं एबल टू का मतलब हमारे यहां पे हो गया लायक या योग्य। अब जैसे मैं बोलता हूं मैं कार चला लेता हूं, यानी मैं कार चलाने लायक हूं या मैं कार चलाने के योग्य हूं, दैट मीन्स आई एम एबल टू ड्राइव कार। अब इनके कुछ रूल्स हैं हमारे, आइए एक नजर डालते हैं हम रूल्स के ऊपर भी। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनमें हमारे सेंटेंसेस बनेंगे। क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें अपना सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद अगर मेरा प्रेजेंट है तो इज एम आर का यूज करूंगा मैं, पास्ट है तो वॉज और वर का यूज करूंगा मैं, और अगर फ्यूचर है मेरा तो मैं सिंपल यहां पर विल बी का यूज करूंगा। उसके बाद हमें यहां पर एबल टू लगाना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, फाइन। तो यह हमारा रूल है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश बोलने लायक हूं या मैं इंग्लिश बोल लेता हूं। ये हमारा प्रेजेंट था तो आई के साथ मैंने यहां पर एम का यूज किया। एक और हम पास्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारा प्रेजेंट का एग्जाम्पल था। अब हम अगर पास्ट की बात करते हैं, मैंने बोला यू वर एबल टू आंसर इन इंग्लिश, यानी आप इंग्लिश में आंसर देने लायक थे या आप इंग्लिश में आंसर दे देते थे। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो यहां पे हमने लिख दिया जैसे डॉग्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, यानी जो डॉग्स हैं वो इंसानी भाषा को समझने लायक होंगे या वो इंसानी भाषा को समझ लेंगे। तो आपने नोटिस किया कि मैंने यहां पर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में अपने इन रूल को फॉलो करते हुए यहां पर एक मैंने लिविंग बींग की बात करी है। जी हां, आई लिविंग बींग है, यू आई लिविंग बींग है, जो हमारी ब्रीड कर सकती हैं, जो हमारी ग्रो करती हैं, और डॉग्स भी हमारे वैसे ही होते हैं क्रिएचर जो हम एक लिविंग बींग की तरह माने जाते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेगेटिव ऑफ एबल टू। जब हम नेगेटिव करेंगे तो हमें यहां पे सब्जेक्ट के बाद या तो हम इज एम आर जो हमारा प्रेजेंट है उसके बाद हम यहां पर नॉट का यूज करेंगे, फिर हमारा एबल टू फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर हमारा ये पास्ट में आएगा तो हमें यहां पर वॉज और वर के बाद नॉट का यूज करना है, लेकिन जब हम अपने विल बी यानी फ्यूचर की जब हम बात करेंगे तो हमें विल के बाद नॉट, उसके बाद बी, फिर हमें ये एबल टू साथ में इसके लगाना है। ध्यान रखिएगा, कैसा मैंने बताया आपको कि प्रेजेंट में तो हमारा इज एम आर के बाद हम नॉट लगा लेंगे, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, एबल टू बन जाएगा हमारा। पास्ट में हमारा was not able to, were not able to, but future में जब हम जाएंगे तो हमारा will के बाद not लगेगा तो हमारा उसके बाद be आएगा, उसके बाद able to का use होगा। या आप क्या कर सकते हो, यहां पर एक और हमारा तरीका है, आप able की जगह आप unable भी use कर सकते हैं। जी हाँ, able का जो हमारा negative बनता है, जो इसका antonym है वो हमारा unable बनता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप
इज एम आर के बाद यहां पर डायरेक्ट अनेबल यूज कर सकते हैं, अनेबल टू वॉज वर्ब के बाद भी आपका यहां पे लग जाएगा अनेबल टू, और अगर आप फ्यूचर की बात करेंगे तो यहां पर विल बी अनेबल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे तरीके यूज किए जाएंगे आपके उन सभी सेंटेंसेस के लिए जब भी आप किसी की कैपेबिलिटी, किसी की एबिलिटी की बात करते हैं, फाइन। बट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एक इस वीडियो में ट्रिक सीखने वाले हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने आपको ट्रिक क्यों नहीं बताई, ये सब तो कॉमन सी चीजें हैं जो आपको शायद आती भी होंगी। यस गाइस, लेट्स मूव टू द ट्रिक ऑफ एबल टू। पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक हम कर रहे थे एबल टू, बट जो ट्रिक है हमारी उसमें हम सिर्फ यूज करेंगे एबल का। जी हाँ, मैंने पहले बता चुका आपको कि एबल टू और एबल दोनों का मतलब होता है लायक। जब भी हमारा वर्ड लायक कहीं पे भी आपका यूज होगा तो हम वहां पर एबल टू और एबल का यूज करेंगे। अब हम कर चुके थे पहले एबल टू का यूज, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एबल का यूज। आपको ध्यान होगा मैंने आपको पहले थोड़े पहले बताया था कि जितने भी मैंने आपके सेंटेंसेस बनाए थे उसके अंदर हमने लिविंग बींग की बात करी थी। जी हाँ, लिविंग बींग, बींग मीन्स थिंग्स पीपल हु कांट ब्रीद, नॉन लिविंग मीन्स नॉन लिविंग मीन्स ऑब्जेक्ट्स विच कांट ब्रीद। अब यहां पे हमारा जो रूल होगा वो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हमें उस वर्ब के साथ यहां पर एबल लगा देना है। जी हाँ, और पास्ट अगर होगा हमारा तो यहां पे वॉज वर्ब लग जाएगा हमारा, फ्यूचर होगा तो हमारा सेम वही विल बी का यूज होगा। ठीक है, ध्यान रखना इसके अंदर हमने, इस एबल के अंदर हमने ओनली नॉन लिविंग थिंग्स का यूज करना है। नॉन लिविंग थिंग्स अगेन बताना चाहता हूं मैं आपको, थिंग्स विच कांट ब्रीद। अब जैसे मैं आपको बोलता हूं कि मूवी देखने लायक है, तो ये हमारा प्रेजेंट है, तो हमने क्या बना दिया मूवी इज, देखना मतलब क्या होता है मूवी देखना मतलब वॉच, तो यहां पे हो गया वॉचेबल, मूवी इज वॉचेबल। नेगेटिव होगा तो मूवी इज नॉट वॉचेबल, फाइन। जैसे हमने बोला कि द वॉटर वॉज ड्रिंकेबल, सेम हम पास में चले गए, मानी पानी पीने लायक था, सब्जेक्ट हमने यूज कर लिया अपना वॉटर, पास में हमारा उसमें वॉज लग गया, वर्ब था हमारा पीना और उसका हमारा एबल लग गया, तो ड्रिंक मतलब पीना होता है, एबल लग गया हमारे लिए ड्रिंकेबल हो गया, फाइन। जैसे हमने बोला कि गाना सुनने लायक होगा तो द सॉन्ग विल बी लिसनेबल, फाइन। तो किसी भी वर्ब के साथ अगर आप एबल का यूज कर देते हैं तो इसका मतलब हो गया कि वो चीज लायक बन गई है। जैसे मैंने बोला कि इंग्लिश एक अच्छी लैंग्वेज है और ये सुनने लायक है, सो इंग्लिश इज अ गुड लैंग्वेज एंड इट इज लिसनेबल। तो जैसे आपका हो गया वॉकेबल हो गया यानी चलने लायक हो गया, यूजेबल मतलब यूज करने लायक हो गया, वॉचेबल देखने लायक हो गया, रीडेबल पढ़ने लायक हो गया, टीचेबल पढ़ाने लायक हो गया। तो यही हमारी ट्रिक थी जिसमें हमने एबल टू और एबल का यूज किया है। एबल टू हमारा हमेशा लिविंग बींग के साथ यूज किया जाएगा और एबल हमारा ओनली नॉन लिविंग के साथ यूज किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इसी तरीके की और भी इंग्लिश वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा ताकि इसी तरीके की इंग्लिश वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग आवर चैनल, दिस इज जस्ट द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, थैंक्स अ लॉट वन मोर टाइम।